ना, तो मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहता है, जैसे मान लो ये मेरा घर है, ठीक है ना, तो इस घर में ये मान लो जैसे पहला कमरा है, इस घर में ये मान लो दूसरा कमरा है, ऐसे मान लो ये मान लो एक तीसरा कमरा है, और यहाँ पे मान लो लेट से किचन वगैरह सब बना है, यहाँ पे एक बीच में गली जा रही है, ठीक है ना। तो हुआ क्या यार, जिस दिन IIT का रिजल्ट आने वाला था, मैं यार एक रात पहले से बहुत ज्यादा मैं टेंशन में था, मतलब जबकि मुझे पता था कि पेपर मेरा अच्छा गया है, मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे था कि यार हर जगह, जैसे तुम्हें याद होगा ऐसे रेसिडेंस की साइट पे, इधर उधर कोचिंग की साइट पे दिखाते हैं, तो उसमें मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा थी, बट कहीं ना कहीं यार मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था किस्मत इस बार कुछ ना कुछ मेरे साथ गेम खेलेगी और मेरा IIT में होगा नहीं, मतलब मुझे अपनी किस्मत में भरोसा ही नहीं था। तो अब हुआ क्या भाई, 8 AM को एक पर्टिकुलर डे पे रिजल्ट आना था, महीना करीब करीब गर्मी का महीना था, मई मई वही का महीना लगा लो, गर्मी का महीना था। तो अब उन दिनों लाइट वेट वैसे ही मतलब टाउन्स में कम आती थी, अधिकतर लाइट कटा रहता था, 8 घंटे 10 घंटे लाइट ही नहीं आती थी। तो 8 AM को रिजल्ट आना था, और मैं क्या हुआ कि भाई मैं ये पहले वाले कमरे में ऐसे मैं सो रहा था, पहले वाले कमरे में मैं सो रहा था, और पहले वाले कमरे में मतलब 8 छोड़ो 9 बज गया, पापा यहाँ पे अपना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, पापा को हॉस्पिटल जाना था, मेरे पापा हॉस्पिटल में जॉब करते थे, फार्मासिस्ट थे, तो पापा को हॉस्पिटल जाना था, तो पापा अपना खाना पीना खा रहे हैं, मैं धीरे धीरे यहाँ पे लेटे लेटे मैं केवल घड़ी देख रहा हूँ, 9 बज गया अभी तक, और रिजल्ट देखने कौन गया था, रिजल्ट देखने बेटा जो मेरा बड़ा वाला भाई है, तो बेसिकली मेरा बड़ा वाला भाई वो रिजल्ट देखने के लिए 8 छोड़ो 7:30 बजे गया था। तो उन दिनों क्या होता था, इंटरनेट बहुत पुअर होता था ना, तो एक बार में वो कनेक्ट ही नहीं होता था, मतलब एक बार आपका वो डायल अप कनेक्शन होता था, तो एक बार में से इंटरनेट कनेक्ट होने में मान लो आधा घंटा लग गया, फिर उसके बाद में एक पेज लोड होने में अगर बहुत उस पर लोड है 10-15 मिनट लग जाता था। तो मेरा बड़ा भाई जो है 7:30 बजे जो है घर से गायब हो चुका था रिजल्ट देखने के लिए, पास में एक दुकान थी मतलब 200-300 मीटर की दूरी पर, साइबर कैफे टाइप का था, वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था थी। मैं भाई सो रहा हूँ, पापा हमसे बातचीत कर रहे हैं, अरे क्या हो गया फलाना ढमकाना, मेरी हालत खराब है, 9 बज गया, 9:30 बज गया, अभी भी मैं सो रहा हूँ, जबकि जंगली अगर मैं सोता हूँ, पापा अगर नाश्ता करते हैं तो पापा मुझे डांट के जगा देते हैं, उनको कुछ नहीं बोला पापा ने, मैं सोता, 9:30 बज गया। अब भाई साहब 9:30 बज गया, हालत तो खराब हो गई, मुझे लगा कि यार बड़े भाई गए हैं, 8 बजे रिजल्ट आना था, इतनी देर में तो इंटरनेट खुल चुका होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए वो घर पे वापस ही नहीं आया। मुझे लगा कि भाई साहब मुझे जो लगता था सिलेक्शन होने वाला है, किस्मत जो है ना वो धोखा दे गई, गरीब आदमी को किस्मत को धोखा देना ही था, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं आराम से यहाँ पे उठा, और यहाँ पे उठ के बेटा जैसे किचन के बाजू में एक जैसे छोटा सा आंगन टाइप का था, और मैं किचन मतलब यहाँ से उठा, कमरे से बाहर निकला, चलते 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 मैं चला गया आंगन में। अब आंगन में गया तो मैं आंगन में अपना ब्रश करने लगा, ब्रश करके मैं अपना टंग क्लीनर वगैरह कर रहा हूँ, तब तक मुझे यहाँ पे आवाज़ बहुत तेज आती है, मतलब जो बड़ा भाई था वो आ चुका था, आवाज़ बहुत तेज आती है, तो जब आवाज तेज आती है तो मैं आंगन में भी मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं मतलब टंग क्लीनर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल के यहाँ तक आता हूँ तब भी आवाज़ बहुत तेज आ रही है, तो बड़े भाई ने यहीं से चिल्लाया, भाई हो गया, ये देख लो भाई साहब, देख रहे हो, केवल बोलती हो गया, देख रहे हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, केवल बड़े भाई ने चिल्लाया कि हो गया, ये होता है इमोशन, ठीक है ना, ओके, तो हो गया, बस इतना उसने चिल्लाया, और मैं यहाँ पे समझ लो हाफ पैंट और बनियान में, जैसा आप लोग घर पे रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई हो गया, इसका क्या मतलब है। और उसके बाद में भाई बड़ा भाई यहीं से चिल्लाता है गेट से, फिर वो वापस चला जाता है। मैं जब तक आया दौड़ते दौड़ते दौड़ते, मतलब दौड़ना दौड़ना क्या था, दौड़ते दौड़ते जब तक आया, तब तक बेटा जो मेरे घर में जो बीच वाला कमरा है ना, बेसिकली पूजा रूम है, इसको हम लोग घर में बीच वाला कमरा बोलते हैं, ये पूजा रूम है। तो पूजा रूम के सामने पापा मम्मी मतलब सिस्टर, बहुत लोग पूजा रूम के सामने यहीं पे खड़े। मैं आया, तब तक आया, अरे भाई हो गया हो गया हो गया, तब तक अब मैंने बोला क्या रैंक का क्या है, तो इतना मेरा बड़ा भाई एक्साइट हो चुका था ना, कि जैसे प्रिंट लेना होता है ना, जैसे जब रैंक आ जाती है तो उसका प्रिंट लेना होता है, क्योंकि उन दिनों मोबाइल वाइल नहीं चलता था, फोटो खींच लो, तो इतना वो एक्साइट हो गया था कि उसने जैसे वहां पे देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो दौड़ते दौड़ते वापस घर पे आ गया बिना प्रिंट लिए, जबकि प्रिंट लेने में 2 मिनट लगता है, प्रिंटर उस टाइम पे भी तेजी होता था, प्रिंटर में टाइम नहीं लगता, बट उसने बोला मैं 2 मिनट भी वेट नहीं करूंगा, फिर वो भगते भगते गया, जब तक वो फिर 2 मिनट के अंदर फिर वापस आके यहीं पे असेंबल होता है, और असेंबल होता है मतलब भाई हो गया, हमने उसको देखा, चलो सब कुछ सही था, बढ़िया रैंक वैंक आ गई, मतलब जो अपनी एक्सपेक्टेड रैंक थी सब कुछ आ गई, बिल्कुल सब बढ़िया हो गया। और भाई साहब दीदी मम्मी दो लोग तो रोना चालू हो गए, और अम्मा मतलब अम्मा का मतलब हम लोग अम्मा का मतलब बोलते हैं ग्रैंड मदर, मतलब ये मैं मेरे परिवार में थोड़ा सा गलत बोला जाता है, बट अगर मैं कभी भी अम्मा बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है ग्रैंड मदर, ये हम लोग थोड़ा सा गलत बोलते हैं मेरे परिवार में। तो दीदी मम्मी और अम्मा तीनों लोग मतलब यहाँ पे हो गए, पापा भगवान के सामने,
अरे जय हनुमान जी महाराज की, ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और भाई साहब पूरे घर में मतलब रिएक्शन ये था कि आधे घंटे 20 मिनट से मतलब रो रहे थे।